आइए मैं आज आपको एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह पे ले चलता हूँ। तकरीबन 250 साल पुरानी ग्रेट फॉल एक है पेटरसन में, आबशार जिसको हम कहते हैं, खूबसूरत। यहाँ से तकरीबन 6 मिनट का ड्राइविंग का फासला है हमारा। अभी चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं और आपको ले चलता हूँ। डाक देखें क्या आई है गाड़ी। चले ले लेते हैं और आपको मैं अब ले चलता हूँ ग्रेट फॉल इन पैटरसन न्यू जर्सी। चलते हैं अभी इंशाल्लाह। खूबसूरत व्यू देखें। अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पैसिफिक रिवर पे पहुँच चुके हैं। ग्रेट पैटरसन फॉल की जगह का नाम है, न्यू जर्सी में ये है। यहाँ पर आ चुके हैं, अभी आपको सब ये बताते हैं। देखें पीछे ये फॉल जो है आप देख रहे हैं, ग्रेट पैटरसन फॉल के नाम से यहाँ पे ये मशहूर है। सिटी ऑफ पैटरसन है ये सिटी। 1792 में इसको फाउंडेड किया था अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। इसका भी मुजस्मा यहाँ पे सामने मौजूद है, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ उसका मुजस्मा भी। देखें यहाँ पर है, ये न्यू जर्सी के शहर पैटरसन में है। और ये फॉल की जो बुलंदी है 77 फीट हाई है। पैसिफिक रिवर का नाम से ये पहचाना जाता है, पैसिफिक रिवर से ये होता हुआ। और इसकी जो इसका नाम पैसिफिक रिवर के नाम से भी, ग्रेट फॉल पैटरसन के नाम से भी लोग उसको पहचानते हैं, याद करते हैं। बहुत ही यादगार जगह है। न्यूयॉर्क से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर है और हमारा घर भी यहाँ से कुछ 5 मिनट के फासले पर है, इसके करीब करीब ही है। तो हम न्यू जर्सी में हेल्डन की तरफ रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे भी अभी दिखाता हूँ ये। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको आगे चल के और इसके बारे में बताता हूँ। पैटरसन ग्रेट फॉल्स नेशनल हिस्टोरिकल पार्क, अभी मैं आपको नीचे भी ले जाता हूँ। ।1922 में इसको मज़ीद तोसी देनी है, इस पर बहुत काम करना है। यहाँ पे होटल्स बनेंगी, बाकायदा स्टोर्स बनेंगे, बहुत बड़े पार्क बनेंगे और यहाँ सीनियर सिटीज़न के लिए भी हाउसेस बनेंगे जो दिए जाएंगे। जो भी लास्ट टाइम यहाँ के गवर्नर जो हैं, नहीं यहाँ के मेयर साहब ने, एंड्रे सेग नाम है इनका, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने भी अटेंड किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। इन्होंने कहा था कि भाई 1922 तक भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और
बिलियंस का इस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो गवर्नमेंट भी फंड कर रही है और ये हिस्टोरिकल प्लेस का इसको दर्जा दे दिया गया है और इसको जो है नेशनल हिस्टोरिकल उसमें ले लिया गया है उसके अंदर, और स्टेट भी इसको फंडिंग कर रही है यहाँ की, और खुद यूनाइटेड स्टेट से फेडरल गवर्नमेंट भी इसको पेमेंट कर रही है और दीगर इदारे जो हैं वो भी ये पेमेंट कर रहे हैं और तकरीबन बिलियंस तक का इसका एस्टीमेट एक्सपेंसेस का और इस पर खर्च किए जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह, मैंने उसका मैप देखा है और यहाँ पे इतना अच्छा खूबसूरत बनेगा और ये बहुत वसी रकबे पर मुश्तमिल है। मैं आपको भी नीचे लेके चलता हूँ। मैं इस वक्त नीचे आ चुका हूँ यहाँ से ऊपर से सीढ़ियों से। ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे, अच्छी तरह देख सकें ये खूबसूरत फॉल को। मैं थोड़ा सा करेक्शन भी करवा दूं कि ये जो कंप्लीट होगा 2024 में और इस पे जो लागत आएगी टोटल $7.9 मिलियन तकरीबन $8 बिलियन इस पे लागत आएगी, $80 लाख तकरीबन, $80 लाख अगर हम पाकिस्तानी लगाएं, एक अरब साठ सत्तर करोड़ बनते हैं हमारे, अभी 222 का रेट है डॉलर का। तो ये देखिए आप, ये ऊपर पुल देख रहे हैं, ये अभी रिपेयरिंग के लिए बंद किया हुआ है, वरना इस पर भी आमोदरफ्त होती थी, जो यहाँ से जब मैं ऊपर जब था तो वो चूँकि रिपेयरिंग की वजह से बंद किया गया है, वरना इसके ऊपर से भी आपको लेके दिखाता इसकी खूबसूरती, ग्रेट फॉल की खूबसूरती मैं वहाँ भी बताता। मेयर साहब जो यहाँ के है एंड्रेस सियाग नाम है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि यहाँ आकर विजिटर जो है ना वो यहाँ के कहे और ये चाहते हैं कि विजिटर के ये रिमार्क्स यहाँ के कहें, आई वांट विजिटर टू से दैट पैटरसन इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ अमेरिकन ड्रीम, सेड एट ए न्यूज कॉन्फ्रेंस एट सिटी हॉल। चलते हैं ऊपर की तरफ। सिटी ऑफ पैटरसन फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये इनका मुजस्मा है।
देखें कितने खूबसूरत मनाजिर, सुबह का वक्त है इस वक्त। ये वाटरफॉल देख रहे हैं आप, इस फॉल को जो ट्रेस किया था और जिन्होंने इसको फाउंड किया था, इनका नाम है हैमिल्टन। ये हैमिल्टन का मुजस्मा है, 1792 में इन्होंने ये ट्रेस किया था ये यहाँ पे। हैमिल्टन साहब है, और पैटरसन जो है उस वक्त के यहाँ के जो गवर्नर थे न्यू जर्सी के, उनके नाम को, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये इनके नाम पे ग्रेट पैटरसन फॉल का नाम दिया गया है, और इस सिटी का नाम भी पैटरसन उन्हीं की गवर्नर साहब के नाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए दिया है। इसकी वजह ये है कि ये अमेरिका की वाइड स्टेट है ये जगह, जहाँ से मकसद इंडस्ट्री लगना शुरू हुई। ये जो है पूरा इलाके में इंडस्ट्री बनी है, लगी है, और काफ़ी इंडस्ट्री मौजूद है। अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ कहेंगे कि यहाँ से हुआ है, इस सिटी से। तकरीबन 150 के करीब यहाँ रेजिडेंस है, रहते हैं, और देसी लोग भी हमारे बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेशी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तानी भी हैं, और अरबी लोग भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये वाइड सिटी है जो सबसे पुरानी है, और यहाँ तकरीबन जो है 100 के करीब लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ कुछ करीबी हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने एक मस्जिद भी बनाई है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत।